उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं कल यानी सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर रखा और आज विपक्ष की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने की मांग की गई। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए, जिससे कि समिति इस पर गहन अध्ययन कर सके। उन्होंने कहा कि यूसीसी के अंदर जितनी भी बातें रखी गई हैं, वे पहले से ही भारत के संविधान में अंकित हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि गोवा प्रदेश में 157 साल पहले यूसीसी लागू किया गया था, उससे ज़्यादा सख्त कानून हम इसमें लेकर आ रहे हैं और इस कानून का उत्तराखंड की जनता स्वागत कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए यूसीसी का कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं। यूसीसी के अंदर जितना मटेरियल है पहले से भारत के संविधान में अंकित है। ये बाल विवाह की बात करते हैं जिसकी शुरुआत 1928 से हुई थी और 1978 में उसकी आयु 18 और 21 कर दी गई थी। ये महिलाओं को पिताजी की पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो 2005 से जो है भारत सरकार ने उसको किया हुआ है, वो पहले से है। ये बात मैरिज रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं तो वो 2006 से है, नया क्या है इसमें? कुछ नहीं। बस हाँ, जिस राज्य को देवभूमि के रूप में जानते थे, जिस राज्य को पर्यटन के रूप में जानते थे, अब उसकी पहचान इनकी वजह से अखबार में जो छप रहा है, मीडिया में छप रहा है कि लिविंग रिलेशन को वैध करने के रूप में जाना जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कल काफ़ी बातें मैंने सदन में बोली और यहाँ तक मैंने कहा है कि भाई गोवा प्रदेश में 157 वर्ष पहले यूसीसी आया था, उससे भी ज़्यादा सशक्त यूसीसी हमने अपने राज्य में बनाया है। और कल लगभग 25 विधायकों ने इस पर चर्चा की है, आज भी दिन भर चर्चा होने जा रही है और जैसे ध्वनिमत से पास हो जाएगा ये पूरे देश के लेकर नज़ीर बनने जाता है।